तो गाइस ये है ओकिनावा कंपनी की तरफ से अभी तक का सबसे प्रीमियम और लॉन्ग रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि जिसका नाम है ओकी 90। इस स्कूटर में क्या कुछ फीचर देखने को मिलते हैं, इसमें सब्सिडी दिल्ली में कितनी मिलती है और इस स्कूटर की प्राइस क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से दबाएं। अगर आप इस टाइम पर अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं जो कि काफी ज्यादा लॉन्ग रेंज दे और इजी टू यूज हो, इजी टू ड्राइव हो और खराब रास्ते वगैरह भी हैं तो उस पर भी काफी अच्छे से हो, यानी कि थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वगैरह भी आपको करनी है तो भी आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको ओकिना 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिल जाएंगी। इसमें और क्या कुछ फीचर मिलते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस स्कूटर के डिजाइन की। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लुक में इसके टायर काफी ज्यादा बड़े दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इस स्कूटर में काफी बड़े टायर मिल जाते हैं जो कि 16 इंच के अभी तक के किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इतने बड़े टायर नहीं दिए गए, जो कि काफी अच्छे रेंज कवर करते हैं। मतलब इतने बड़े टायर से आपको रेंज भी अच्छी मिलेगी और गड्ढे वगैरह में भी इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा। इसके अलावा दोनों ही साइड में हमें ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, डुअल सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं और दोनों ही टायर में आपको डिस्क ब्रेकिंग भी दी गई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो यहाँ पर फ्रंट में आपको काफी अच्छी हेडलाइट दी गई है, इनबिल्ट इंडिकेटर मिल जाते हैं और इसके ऊपर आपको DRL मिल जाते हैं, साथ ही में यहाँ पर ओकिनावा का यहाँ पर लोगो भी इसमें मिल जाता है। इसके अलावा ये फाइबर बॉडी हमें मिल जाती है, तो काफी अच्छी फाइबर बॉडी है, ऐसा नहीं है कि चीप क्वालिटी की फाइबर बॉडी इसमें यूज की गई है, काफी अच्छा फाइबर प्लास्टिक इसमें यूज किया गया है। इसके दोनों मिरर मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छे डिजाइन में आ रहे हैं, तो क्रोम फिनिश का यूज यहाँ पर काफी ज्यादा किया है कंपनी ने। इसके अलावा यहाँ पर फ्लैट फ्लोरबोर्ड मिल जाता है जिस पर कि आप अपना आराम से कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं, बट अगर आप इसमें सिलेंडर वगैरह रखने का ट्राई करेंगे तो वो शायद से इसमें आपको ठीक से नहीं आएंगे, यहाँ पर आपके फुट वगैरह आराम से इजीली आ जाएंगे। इसके अलावा इसके साइड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलती है जो कि काफी यूनिक इसको डिजाइन दे रहा है, मतलब एक नया लुक आपको इसमें मिलेगा इससे, और ओकिना 90 की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके अलावा इसके यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर फुटरेस्ट मिल जाते हैं जो कि इजीली इसमें अंदर से जाते हैं और पैर से ही आप इसको निकाल सकते हैं, तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर फिट किया हुआ है इसके डिजाइन में फुटरेस्ट, जो कि देखने में काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है। अब बात करें हैं इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर डबल शॉकर मिल जाते हैं, दोनों साइड में शॉकर दिए गए हैं जो कि काफी स्टडी है और इसमें भी हमें बैक साइड में भी ट्यूबलेस टायर विथ डिस्क ब्रेकिंग मिलती है। नाउ अब इसके बैक साइड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको इसमें टेल लाइट काफी अच्छी दी गई है, इसी के अंदर आपको फिक्स इंडिकेटर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट आएगी जो कि इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलेगी। तो यहाँ पर नंबर प्लेट इस स्कूटी में जरूर से मिलने वाली है, काफी लोगों का यहाँ पर कंसर्न रहता है कि ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो इसमें नंबर प्लेट नहीं होगी, बट इसमें आपको नंबर प्लेट भी मिलेगी और इसमें हेलमेट वगैरह भी आपको लगाना पड़ेगा। नाउ इसके बाद आ जाते हैं इसके ग्रैब रेल पे, तो यहाँ पर ग्रैब रेल आपको काफी अच्छा मिलता है, इसको आप हटाकर यहाँ पर कुछ भी अपना सामान या फिर आप पैनियर वगैरह भी लगा सकते हैं इसको हटाकर। इसके अलावा इसके बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको सेंटर माउंटेड मोटर मिल जाती है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर बेल ड्राइव मोटर दिया गया है जिसको काफी अच्छे से कवर किया हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें साइड स्टैंड के साथ साथ में मेन सेंटर स्टैंड भी मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है। तो साथ में आप देखेंगे तो ओकी 90 की फिर से यहाँ पर ब्रांडिंग मिलती है, साथ में क्रोम फिनिश काफी अच्छा दिया गया है जिससे कि इस स्कूटर का लुक काफी इनहेंस होकर आता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रंट में आपको हुक मिल जाता है कुछ भी सामान वगैरह डालने के लिए, इजीली आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली हमें जो ये हुक है वो इस साइड में मिलता है, बट इस साइड में आपको एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है साइड में, इसमें हमें एक छोटी सी पॉकेट मिल जाती है जिसमें आप अपना सामान या फोन वगैरह कुछ भी इजीली रख सकते हैं, जो काफी अच्छा स्पेस है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ भी आप सामान रख सकते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर के सीट हाइट की, तो इसमें हमें 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है, यानी कि गड्ढे वगैरह में या फिर ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो आपको काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर दिया गया है। और इस पर मैं बैठ के दिखा देता हूँ, मेरी हाइट यहाँ पर 5.5 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के मेरे फुट यहाँ पर इतने फुट आपके भी यहाँ पर आएंगे और काफी अच्छी सीट हाइट इसमें मिल जाती है। और इसके अलावा आप बात कर लेते हैं इस स्कूटर के बूट स्पेस की, बट बूट स्पेस से पहले मैं आपको इसकी की दिखाना चाहूंगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग की है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, काफी स्लिम सी की यहाँ पर दी गई है जो कि काफी यूनिक है, इसमें दो की आपको मिलने वाली है। और इसके अलावा इसमें एक रिमोट भी मिलता है, रिमोट की बात करें तो ओकिनावा के मोस्टली स्कूटर में हमें रिमोट सिस्टम दिया गया है जिससे कि आप रिमोट से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अनलॉक का बटन दिया गया है और इससे स्कूटर अनलॉक हो जाता है और इससे लॉक हो जाता है, तो यहाँ पर दो ही बटन इसमें मिलते हैं। इसके अलावा इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इस की को लगाने के लिए सिंपल सा यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इसको ओपन करना है आपको और इसको की को इसमें लगा देना है और इसको ऑन कर देना है, तो इस तरीके से यहाँ पर की आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसको बंद कर देना है, अगर आपको कीलेस एंट्री करना है तो यहाँ पर इससे इसको आप बंद करके यहाँ से ऑन कर देंगे तो
तो स्कूटर यहां से ऑन हो जाएगा। तो यहां पर कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलता है और इसी को ऑफ कर देंगे तो यहां पर स्कूटर ऑफ हो जाता है। इसके अलावा इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, तो बूट स्पेस यहां से आप पुश करेंगे तो बूट स्पेस यहां पर ओपन हो जाता है। तो इसमें हमें चार्जर देखने को मिल जाता है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर हमें एक इसमें चार्जर मिलता है, काफी छोटा सा चार्जर मिलता है, हालांकि इसमें जो बैटरी है वो काफी बड़ी मिलती है यहां पर आपको। तो यहां पर इस तरीके का चार्जर आपको देखने को मिलता है जिसको आप प्लग में लगाकर थ्री पिन प्लग में आपको लगाना है और ये स्कूटर चार्ज हो जाएगा। तो ये इसका बूट स्पेस मिलता है, हालांकि बूट स्पेस थोड़ा सा कुछ डिजाइन थोड़ा डिफरेंट बनाया है कंपनी ने। इसमें एक फुल फ्लैश हेलमेट आपका नहीं आने वाला, यहां पर आपका छोटा मोटा सामान आ जाएगा, ग्लव्स वगैरह आ जाएंगे और एक जो हाफ हेलमेट होता है वो इसमें आ जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक एलईडी लाइट गई है, इसी में आपका मोबाइल चार्जिंग का मिल जाता है जिससे कि आप चार्ज कर सकते हैं। और इसी के नीचे हम देखेंगे तो इसकी बैटरी मिलती है जिसको मैं ओपन दिखाने वाला हूं, तो ये ढक्कन आपको अलग कर लेना है। इसके अलावा एमसीबी को यहां पर एक एमसीबी मिलती है, आपको एमसीबी को ऑफ करना है और फिर आप इसकी यहां से बैटरी निकाल सकते हैं। तो यहां से ये कनेक्टर आपको हटाना है, काफी मोटा कनेक्टर इसमें दिया गया है और इस बैटरी को आपको यहां से खींच के निकाल लेना है, तो काफी हैवी बैटरी है। नाउ अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की और इसमें क्या क्या स्विच वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हैंडल बार में यहाँ पर आपको डिपर के लिए पास बटन एक डिपर के लिए दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक हॉर्न का बटन आपको मिल जाता है, एक इंडिकेटर बटन इसमें दिया गया है। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर इको और स्पोर्ट दो मोड यहाँ पर इस स्कूटर में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके नीचे यहाँ पर हेडलाइट ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है और लास्ट में यहाँ पर आपको एक पार्किंग मोड मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले ऑन कर लिया है, तो डिस्प्ले में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर स्पीडोमीटर आता है, यहाँ पर ओडोमीटर दिया गया है और यहाँ पर देख रहे हैं आप स्पोर्ट मोड यहाँ पर नजर आ रहा होगा, तो इसको आप इको में कर देंगे, इको यहाँ पर दिखाएगा और स्पोर्ट यहाँ पर दिखाता है। तो इस तरीके से इको और स्पोर्ट में चेंज होता है और बैटरी स्टेटस यहाँ पर नजर आते रहेंगे, ट्रिप मीटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी मिलती है जिससे जो कि आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, जीपीएस वगैरह से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, हालांकि इसमें नॉन टच डिस्प्ले मिलता है, तो यहाँ पर टच डिस्प्ले होता तो काफी अच्छा रहता। बाकी ये इजी टू यूज है, इसको आप इजिली यूज कर सकते हैं, घर में कोई भी यूज कर सकता है। नाउ बात कर लेते हैं इस स्कूटर के मोटर की, जो कि सेंटर माउंटेड मोटर है। यहाँ पर बेल ड्राइव आपको सिस्टम मिलने वाला है। इस स्कूटर में हमें 3800 की मोटर मिल जाती है जो कि मैक्सिमम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, यानी कि इसमें आपको स्पोर्ट मोड में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी स्पीड है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इस स्कूटर के बैटरी की, तो इसमें हमें 3.6 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि सिंगल चार्ज में कंपनी क्लेम करती है 160 किलोमीटर की। यहाँ पर आपको 160 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाएगी जो कि काफी अच्छी रेंज है, यानी कि ओला और अदर जो एथर वगैरह में भी देखते हैं तो यहाँ पर इतनी रेंज नहीं मिलती। इको मोड में आपको 160 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है जो कि 110 या 120-130 तक आपको इजीली रेंज ऑन रोड मिल जाएगी, तो काफी अच्छी है। इसके अलावा इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए 3 से 4 घंटे का, यानी मैक्सिमम आपको 4 घंटे का टाइम लगने वाला है, जो कि इसके साथ चार्जर दिया गया है उसी से आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो ये है दोस्तों ओवरऑल रिव्यू ओकिनावा OK90 इलेक्ट्रिक स्कूटर का, जिसमें कि हमें मोटर और बैटरी पर 3 ईयर की वारंटी मिलती है। और इसके प्राइस की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस 1,21,866 रुपीज है दिल्ली में, जिसमें कि आपको 18,000 रुपए की दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। तो आफ्टर सब्सिडी इस स्कूटर की जो प्राइस है वो आपको 1,20,000 रुपए के करीब ही ऑन रोड पड़ेगी। बाकी इस स्कूटर की ऑन रोड प्राइस आपको हर ओकिनावा डीलर के पास में थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि हर एक डीलर अलग अलग ऑफर और डिस्काउंट साथ में इस स्कूटर को सेल कर रहा है। इसके अलावा इस स्कूटर पर अभी कम से कम 6 महीने की वेटिंग आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद ही ये स्कूटर आपको मिलेगा। बाकी अगर आप इस स्कूटर को लेना चाहते हैं या फिर इसकी टेस्टेड लेना चाहते हैं तो आप इस शोरूम में आकर इसकी टेस्टेड वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पर आपको ये इजिली स्कूटर मिल जाएगा। बाकी शोरूम की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर से मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे और इसी नई वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड सेफ राइड।